आसामच्या धेमाजी जिल्ह्यातल्या दुर्गम भागात राहणारा सागर प्रसाद शर्मा। सागर पेशानं वेल्डर, मात्र तिसरी शिकलेल्या सागरनं आपल्या करामतीनं आकाशाला गवसणी घातली आणि तोही अशी गवसणी रोज घालू शकणार आहे, कारण त्यासाठी आकाशनं घरीच हेलिकॉप्टर बनवलंय। आश्चर्य वाटतं ना, पण हे खरं आहे। एसयूव्हीच्या इंजिनचा वापर करून सागरनं हे हेलिकॉप्टर बनवलंय। त्यासाठी त्याच्या मित्रांनी त्याला 10 लाखांची मदत केली। बचपन में मेरा दिल में एक ऐसे सवाल उठता था कि हेलीकॉप्टर में सफ़र करने का, हेलीकॉप्टर में घूमने का एक इच्छा जागृत होता था, लेकिन मुझे ये भी लगता था कि मैं उस काबिलियत तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए मैंने दिल में तब से ही सोच रखा था कि बड़ा होकर खुद अपना हाथ से एक हेलीकॉप्टर निर्माण करके उड़ाने का। मैकेनिज्मची गोडी सागरच्या अंगी लहानपणापासूनच असल्याचं त्याची आई सांगते। यावरून त्यानं अनेकदा मारे खाल्ल्याच्या आठवणी आजही त्याच्या आईच्या डोळ्यात तरळतात। जो भी सामान मिळता था, काटूट का जो भी मिळता था, वो इसे डाव से लेके काट के उसे क्या क्या बनाते रहता था। हम लोग गाली देने से भी मानता नहीं था। उसे करते करते मैंने कुछ ही काट का वो साइकिल भी बना लिया। जंगल वंगल सब में चलता था वो सपना, मतलब ऐसा था उसका, वो मानता ही नहीं, मैंने वो करते रहेगा। 3 वर्षांपासून सागर एका बंद खोलीत हेलिकॉप्टर बनवत होता। तो काय करतोय हे घरच्यांनाही कळत नव्हतं, मात्र जेव्हा हेलिकॉप्टरचं 90% काम पूर्ण झालं तेव्हा त्यानं साऱ्यांना आश्चर्याचा धक्काच दिला। बहुत अच्छा लगेगा दिल में, दिल बचपन का जो सपना था हम लोग का पूरा हो जाएगा। तो दूसरा काम भी बहुत करता है, लेकिन इसको हम लोग दिन भर नहीं करता है, रात को सिर्फ करता है। इसका 3 साल तक ऐसे किया है। या हेलिकॉप्टर मध्ये 2 व्यक्ती बसू शकतात आणि ते जमिनीपासून 30 ते 50 फूट उंचावर उडवता येतं। त्यानं या हेलिकॉप्टरचं नाव पवनपुत्र असं ठेवलंय। केवळ इच्छाशक्तीच्या जोरावर जेमतेम 3री पर्यंतचं शिक्षण घेतलेल्या सागरनं बनवलेलं पवनपुत्र म्हणजे इंजिनिअरिंगचा अनोखा आविष्कार आहे। म्हणतात ना, हौसले बुलंद हो तो बिना पंख के भी भर सकते है उडान। ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।